फिल्म्स में इतने कट्स दिए गए तो ये क्लियर होनी चाहिए और रिलीज के लिए डिले हो रही है क्योंकि आपको बता दिया कि आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. The Udta Punjab controversy every day is picking a new update and new revelations from the censor, court and the filmmakers protesting. Lehren had an exclusive chat with senior filmmaker Shyam Benegal, who refused to comment anything about Pahlaj Nihalani's arrogant ways of working and his dictatorship in spite of the fact that he liked Udta Punjab as a film. Why? Is he scared of censor and Nihalani? Take a look. As आपने फिल्म देखी है और फिल्म में 89 कट्स दिए गए तो आपके हिसाब से व्हाट इज अ पर्सनल सजेशन कि फिल्म्स में इतने कट्स दिए गए तो ये क्लियर होनी चाहिए और रिलीज के लिए डिले हो रही है क्योंकि आपको बता दिया कि आई एम नॉट कमेंटिंग ऑन दैट. दिस इज आल्सो कमेंटिंग ऑन द वर्क ऑफ द CBFC. आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दैट. एनी सजेशंस यू हैव गिवन टू देम? नो, व्हाई वुड आई? वी ऑलरेडी आर लुकिंग इनटू द एंटायर प्रोसेस एज पार्ट ऑफ अ कमिटी. आई एम पार्ट ऑफ दैट कमिटी. सो हाउ कैन आई मेक piecemeal suggestions like this. अच्छा, फिल्म रिलीज हो पाएगी आपके हिसाब से, like, or it will be delayed? I have no comments to offer on the matter. For more videos, please subscribe to Bollywood Asia.